कहा ना बाबूजी, परसों कृष्णा को सचिवालय में बुलाया गया है। क्या है? इंक्वायरी के संबंध में। अरे भैया, जब इंक्वायरी से एक बार कृष्णा को बेगुनाह घोषित कर दिया गया है, तो फिर क्या जरूरत है फचड़े में पड़ने का? बहुरिया थोड़ी ना कोई नौकरी बक। हे बहुरिया, कहीं फिर से तुम नौकरी वोकरी करने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? अरे नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कोई बात नहीं है। वो कहे ना, इस सारा मामला से कृष्णा का नाम क्लियर हो जाए, इसके लिए सरकारी कार्रवाई करना जरूरी है, वरना आगे जाके परेशानी हो सकता है। पिंटू ठीक कह रहा बाबूजी, कृष्णा को वहां उपस्थित होना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन कृष्णा जिस हाल में है उस हाल में जा नहीं सकती। हम तो कहते हैं कि नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सारा समय कृष्णा के साथ ही रहेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। वो सब तो ठीक है माँ, कृष्णा का जाना जरूरी है, और वैसे भी सरकारी काम में लापरवाही बरतना ठीक नहीं होता है। पिंटू, तुम कृष्णा का बहुत ख्याल रखोगे। हाँ माँ, हम रिक्शा विक्शा में नहीं बैठेगी कृष्णा। हाँ एकदम ठीक बात है, हम एक काम करते हैं गंगा देवी, वो पटना वाले हमारे वर्मा जी है ना, उनको फोन कर देते हैं, वो इनके लिए गाड़ी भिजवा देंगे, जब तक वहाँ रहेंगे गाड़ी इनके साथ रहेगा। बाबूजी इसका कोई जरूरत नहीं है, वो कहे ना कि सचिवालय से कृष्णा और हमको गाड़ी लेने आएगा, और हमरा सर्किट हाउस में रहने का इंतजाम भी कर दिए हैं। ये सारा सुविधा वीडियो लोगों को मिलता है ना कृष्णा? वैसे कौन सा कागज पत्र पर दस्तखत करने का बात कर रहे हैं आप लोग? हमारा इंक्वायरी से संबंधित कुछ कागज है, 3-4 घंटा लग जाएगा। तो उसमें पटना जाने का क्या जरूरत है? तुम कहो तो हम यही मंगवा देते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, हम तो कह रहे कि अरे पिंकी भाभी, हम टीसी साहब से पूछ लिए हैं, वो कह रहे थे कि कृष्णा का वहां जाना ही सही रहेगा। अच्छा माँ जी, हम जाने का तैयारी कर लेते हैं, अपना ख्याल रखना है कृष्णा। हम भी चलते हैं। हमको लगता है कागज पत्र वाला काम ना सिर्फ बहाना है, ये दोनों मिलकर ना कोई और खिचड़ी पका रहे। मैडम जी अंदर आ सकते हैं? आइए। मैडम वो कृष्णा मैडम की इंक्वायरी वाला फाइल चाहिए। काहे? वो फाइल सारा पटना भेजना है। अच्छा, तुमको इसके बारे में पहले ही से पता था? हमको तो मालूम नहीं था। हाँ काम करो, टीसी सर को फोन लगाओ, हमें उनसे जरूरी बात करना है। मैडम वो टीसी सर तो पटना के लिए निकल गए। अच्छा, हमको तो ये भी मालूम नहीं था। आके चल कर आए। मैडम वो कृष्णा मैडम का फाइल तो ले लो ना, हमारा दिमाग काहे खा रहे हो। तुम हमरा बात समझ गई ना चंचल? हाँ जी जी,
आप बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा। तो ये बात फटाफट माँ जी को भी बता देना। हाँ, हम माँ से अभी फोन करने के लिए बोल देते हैं। रखते हैं। ठीक है। जरूर है, कहीं कोयला खदान टीसी सर के साथ सांठ गांठ करके फिर से वीडियो बनने के चक्कर में तो नहीं है? छानबीन तो करना पड़ेगा। जी नमस्ते बहन जी। अरे सरस्वती जी, आप? वो चंचल हमको बता रही थी कि पिंटू जी और कृष्णा कल पटना जा रहे हैं। बहन जी हम इसलिए फोन किए थे कि पंचांग के हिसाब से कल का दिन यात्रा के लिए ठीक नहीं है, तो अच्छा होगा कि पिंटू जी और कृष्णा आज ही चले जाएं। कहा है कि कृष्णा माँ बनने वाली है, तो हम लोगों को हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। हम उन लोगों से कह देते कि कल नहीं आज ही निकल जाए, हमको तो इस बारे में पता ही नहीं था। अच्छा फोन रखते हैं। जी नमस्ते। जी हेलो टीसी सर, हम प्रियंका राज बोल रहे हैं। बोलो क्या काम है? वो हम कह रहे थे कि हमको ना आपसे बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करना है, तो आज हम मिल सकते हैं? अब हमारा मतलब है कि आप यही शहर में हैं कि कहीं बाहर गए हुए हैं? नहीं हम बाहर नहीं, भागलपुर में ही हैं। अच्छा अब तो ठीक है, हम आपको बाद में फोन करते हैं। हाँ जय। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आईएएस का प्रीलिम्स का परीक्षा भी तो पटना में ही हो रहा है ना, और उसका तारीख 2 दिन बाद है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोयला खदान सबकी आंख में धूल झोंक कर आईएएस का परीक्षा देने वाली है। कृष्णा तुम सारा सामान सही से रख लियो ना, और हाँ दवाई रखना मत भूलना। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सरस्वती जी ने हमको पहले ही बता दिया कि कल का मुहूर्त अच्छा नहीं है और आज का मुहूर्त अच्छा है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों आज ही निकल रहे हो पटना के लिए। पिंटू बेटा कृष्णा का खूब ख्याल रखना। हाँ जी माँ। और यहाँ जी माँ कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं माँ, इसका कोनो जरूरत नहीं है, हमारे पास है। अरे सुनो तुम, सर्किट हाउस में तुम दोनों का रहने सहने का इंतजाम तो कल से ही होगा ना, इसलिए आज कोई अच्छा सा होटल देखकर तुम दोनों रुक जाना वहीं पर। हाँ रख लो, आशीर्वाद समझ के रख लेना। ठीक है। अरे मैडम जी वो जरूरी फाइल पर दस्तखत कर दी कहाँ? बस बस कितनी बार कह चुके हो, ऐसी हालत में झुका बुका मत करो, तुम तो सुनती ही नहीं हो। अच्छे से जाना और अच्छे से वापस आना। अब तुमको किसी का नजर नहीं लगेगा। खुश रहो। संभाल के जाना। तुम आ गए, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। हमको पता होता तो हम पिंटू कृष्णा को 5 मिनट और रोक लेते, तो तुमसे मुलाकात भी हो सकता था। वो कहा है ना बेटिया, वो लोग अभी अभी निकले पटना के लिए।
यहाँ से निकल के तो चली गई कृष्णा, पर तुमको क्या लगता है इतना आसानी से हम तुमको छोड़ देंगे? नहीं कृष्णा, हम किसी भी हालत में तुमको आईएएस का परीक्षा नहीं देने देंगे। बस हमारा इंतजार करो, काहे कि कल हम भी आ रहे हैं पटना। पापा, वो कोयला खदान उसका बॉडीगार्ड आईएएस का परीक्षा देने के लिए पटना के लिए निकल गए हैं। का? कैसा बात कर रही हो? वो घर से निकला कैसे? निकल कैसे गए का क्या मतलब हुआ पापा? बहाना बना दिया कि कृष्णा को सचिवालय में कुछ काम है। और तुम घर पे हाथ धर के और सारी चीज का तमाशा देख रही थी, और जल्दी से पटना जाओ, उसको परीक्षा देने से रोको। पटना जाने के लिए तो आप ऐसा कह रहे हैं जैसे हमको एक कमरा से निकलकर दूसरा कमरा में जाना है। वैसे आपको तो पता ही है इस घर में हमारे पात्र को कितना महत्व दिया जाता है। जब से मूर्ति वाला कांड हुआ है ना, तब से तो घर का समीकरण ही बदल गया है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा देर रुकिए। काय की अगर अभी हम बाहर जाने के लिए कहेंगे ना, तो बबलू जी को रहेगा कि हम कृष्णा का नकल कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, परीक्षा परसों है ना, तब तक कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तुम लोग ठीक ठाक से पहुंच गए ना? कृष्णा बिटिया, वो गोंद वाले लड्डू जरूर खा लेना, सुबेरे उठते ही दूध के साथ एक लड्डू खा लेना, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है बिटिया। हाँ जी माँ जी, खा लेंगे। कृष्णा, हमारी बात भी करवाओ माँ से। माँ जी बात कीजिए। काम हाँ, सारी बात अपनी बहू से ही करोगी? हाँ, हम भी आपसे बात करने के लिए तरस रहे थे। अपना माँ से हंसी करते हो? कृष्णा का ख्याल रखना, सिर्फ तुम हो उसके पास। अरे आप चिंता मत कीजिए, कृष्णा का ख्याल हम अच्छे तरह से रख रहे हैं। हमको ये बताओ कि तुम्हारी बड़की दुल्हन का क्या हाल चाल है? पिंकी, तुम दोनों के जाने के बाद ही वो 5 मिनट में आ गई थी, तुम लोगों के बारे में भी पूछ रही थी। पिंकी हम लोगों के बारे में पूछ रही थी। माँ, अभी रात बहुत हो गया है। अच्छा फोन रखते हैं। सुनिए, हमको लगता है पिंकी चुप नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ जरूर करेगी। करने दो, लेकिन इस बार पिंकी मुंह का खाएगी। कृष्णा, तुम्हारे लिए गुनगुना दूध और लड्डू। अभी नहीं, बाद में। तुमको तो पता है ना हमको लड्डू कितना पसंद है, खा लो वरना हम खा जाएंगे। तो क्या हुआ, आप खा लीजिए। इतना टेंशन चल रहा है और आप खाने के बारे में सोच रहे? कुछ सोचिए ना कि वो कोयला खदान का क्या करें हम। देखो काम करते हैं, कोयला खदान का एडमिट कार्ड एक बार फिर से गायब कर देते। पापा, आपका ये आइडिया ना काम नहीं करेगा। काहे? आपको क्या लगता है वो अभी तक अपने एडमिट कार्ड का फोटोस्टैट नहीं निकाली होगी? ये लो तुम्हारा ओरिजिनल एडमिट कार्ड, हमने इसका 3 कॉपी करवा ली है। अगर ओरिजिनल के साथ कोई गड़बड़ी हो गया तो ये लो, 1 कॉपी तुम्हारे पास और 2 कॉपी हमारे पास। ये आप बहुत अच्छा किए, धन्यवाद। दोपहर हो गया लेकिन अभी तक एक भी आइटम हमारे दिमाग में नहीं आया है। मिल गया आइडिया। बैठो बैठो बैठो, हमरा बात अब ध्यान से सुनो।
ठीक तरह से हो जाना चाहिए, समझे? माँ, कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हमको आशीर्वाद दो कि हम ये परीक्षा में सफल हो जाएं। कृष्णा बेटा, कल तुम बहुत बड़ा काम करने जा रही हो, ये खाली परीक्षा भर नहीं है, तुम्हारे पापा का सपना भी। हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे पापा भी तुम्हें स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे हो। जानते हैं माँ, पापा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, उन्हीं का प्रेरणा से तो हम इतना बड़ा बीड़ा उठाए। बेटा, भगवान सदा तुम्हारा रक्षा करे और तुम्हारा हर मनोकामना पूरा करे। अगर तुम हार गई तो तुम्हारा बाप ये युद्ध हार जाएगा, तुम्हारा, तुम्हारी दादी का और तुम्हारे पापा का सपना चूर चूर हो जाएगा। जिस दिन तुम वीडियो बन जाओगी, यही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और हम भी अपना सीना गर्व से छोड़ा कर कहेंगे कि यही है हमारी अफसर बेटिया। हम जानते हैं कि हमारा बेटा सच्चाई की शिखर पर पहुंचकर हमारा सपना पूरा करे। बेटा, कृष्णा, तुम रो कह रही हो? हाँ, हमको पापा का बहुत याद आ रहा है, अगर आज होते तो कितना खुश होते। कृष्णा देखो, तुम्हारे पापा अभी भी तुम्हारे साथ हैं और तुम उनका इच्छा पूरा कर रही हो। सोचो उनका आत्मा को कितना शांति मिल रहा होगा। नहीं कृष्ण, रो मत, और अर्जुन की तरह अपना परीक्षा पे ध्यान दो। देखो हाथ बहुत हो गया, तुमको सोना चाहिए, बाकी पढ़ाई कल सुबह कर लेना। चलो सो जाओ। सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग कृष्णा मैडम, अब हम बीडीओ हैं और आप आइए। तो सीनियर पोस्ट पर होने का कुछ तो मान रखना ही पड़ेगा, है ना मैडम? आज आपका आईएएस का परीक्षा है ना, तो हम सोचे कि आपको शुभकामना ही दे दी। आप तो हमको बताएंगे, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखिएगा। तुम्हारा परीक्षा का उल्टा गिनती के साथ साथ तुम्हारा अच्छा दिन का भी उल्टा गिनती शुरू हो गया है। कोयला खदान, तीन, दो, एक, शून्य।